सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे BDL और HAL। आप लोग देखो, HAL में आज हमें सुबह 2% के आसपास तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन लास्ट में जाते जाते जो स्टॉक है वो ऊपर से थोड़ा बहुत फिसला भाई। ठीक है, इधर आप लोग देखोगे BDL है, इसमें हल्की फुल्की गिरावट है। BEL है, इसमें भी आप लोगों ने हल्का फुल्का फॉल हमें देखने को मिला है, यानी कि स्टॉक फ्लैट क्लोजिंग लेते हुए नजर आए हैं भाई। तो क्या अब यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका बन रहा है इन डिफेंस शेयरों में? क्या यहाँ से इन शेयरों में एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर एक अच्छे खासे डीप का वेट करें? आप लोग वैसे तो स्टॉक में 6-7% का आई थिंक डीप आ गया है भाई, अपने हाई से अगर देखा जाए 6-7 तक। यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 1-1.5% के आसपास, ज़्यादा नहीं अभी, अपने हाई से हल्का फुल्का फॉल पर स्टॉक। ठीक है, और वहीं आप लोग देखोगे HAL है, HAL में तो एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। ठीक है, आज आप लोग देखोगे पिछले 4-5 दिन में स्टॉक वैसे तो डाउन है, यहाँ पर आप लोग देखोगे थोड़ी बहुत हल्के फुल्के स्टॉक में गिरावट आई थी 6-7%, वो इसने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया भाई। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग देखोगे भी जो BDL है, BDL में एक खबर आई उसके ऊपर चर्चा करेंगे। BDL अपने अपने हाई प्राइस से आप लोग देखोगे अभी हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है, हल्का फुल्का ये भी 4-5% के आसपास गिरावट में है। तो चलिए भी अब देख लेते हैं सबसे पहले खबर क्या है, फिर इनके डिस्कस करेंगे चार्ट वगैरह आगे के कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। 94,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, क्या बोलते भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, और 75,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक हमें देखने को मिली है BEL की। तो इन ऑर्डर बुक के चलते आने वाले टाइम में अगर हम 4-5 साल के लिए इन शेयरों में चले तो पैसा डबल हो सकता है भाई। ठीक है, डबल का भी ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयरों में बेस्ट है। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा इन शेयरों में अच्छा रिटर्न बनाने के लिए। तो चलिए अब देख लेते भी सबसे पहले जो खबर आई है आखिरकार वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे BDL के रिगार्डिंग ये न्यूज़ हमें देखने को मिली। यहाँ पर प्रेजेंटेशन थी ना भी, आज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी, तो उसका आउटकम आते हुए नजर आया। इसका वेरिफिकेशन आप लोग BSE और NSE के साइट पर जाकर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया, भी कॉल जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें क्या कुछ अपडेट आया है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ भी। देखो, एक तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करके बताया, उसके साथ आप लोग देखोगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर देख लेते हैं वीडियो को पॉज करके भाई। तो सबसे पहले आप लोग ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल 2023-24 दी हैवी वेट टॉरपेडो ऑर्डर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइट वेट टॉरपेडो आकाश ऑर्डर एक्सेट्रा वर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड कम्प्लीटेड दी ऑर्डर्स। तो ऑर्डर आप लोग देखो कंपनी को काफ़ी सारे मिले हैं अभी। ठीक है, हैवी वेट जो टॉरपेडो ऑर्डर्स है वो मिले, आकाश मिसाइल के लिए है, लाइट वेट टॉरपेडोज हैं उनके लिए कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। ये यहाँ पर जो है कंपनी ने थोड़ी सी ऑर्डर्स के रिगार्डिंग में जानकारी दी है, और यहाँ पर आपको इसके जो स्टेबल ऑर्डर बुक है वो देखने को मिलेगी भी। ठीक है, ऑर्डर बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल ऑर्डर बुक आप लोग देखोगे एक एज ऑन 1 अप्रैल 2023 से आप लोग देखोगे कैसी है, वहाँ पर थी लगभग 20,054 करोड़ की। ठीक है, न्यू ऑर्डर रिसीव्ड फाइनेंशियल 2023-24, तो इसके दौरान जो न्यू ऑर्डर कंपनी ने ऐड किए हैं भाई वो है लगभग 1793 करोड़ के। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर बुक आप लोग देखोगे भी जो हो गई है 31 मार्च 2024 तक वो लगभग 19,434 करोड़ की, यानी कंपनी ने कुछ एक ऑर्डर कंप्लीट भी तो किए ना भाई। उसके बाद आप लोग देखोगे भी ऑर्डर्स इन पाइपलाइन इन नेक्स्ट 2-3 ईयर, तो आप लोग देखो अगले 2-3 साल में जो कंपनी 20,000 करोड़ के और ऑर्डर ऐड करने की जो ना भी लक्ष्य लेके चल रही है। इसके साथ आप लोग देखोगे भी कंपनी की जो ना जबरदस्त ऑर्डर बुक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक्स की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पोजिशन एज ऑन 31 मार्च 2024 के दौरान अगर देखा जाए तो लगभग 2420 करोड़ की है। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारे सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर शामिल है भाई। तो ये कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट आई है, थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स के ऊपर यहाँ पर अपडेट दिया गया है, ये आप लोग खुद भी वीडियो को पोस्ट करके डिटेल में देख लेना भाई। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहा है, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग देखोगे वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आया था अभी हमें, और इसका भी इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। EBITDA आप लोग देखो प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, RNN जो ये हमें सब कुछ बेस्ट देखने को मिला बीच का, तो ये टोटल प्रेजेंटेशन थे, ये इसका भी हमें जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कल के दिन आते हुए स्टॉक के ऊपर नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह रिवेन्यू फाइनेंशियल समरी यहाँ पर दी गई है, इसे आप लोग देख लेना, वीडियो को पोस्ट करके कंपेयर किया गया है। तो ये अपडेट अभी, ये प्रेजेंटेशन और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं इन कंपनियों के आगे की कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। अगर बात करें BDL की, तो यहाँ पर आप लोग BDL में हमें ऊपर से हल्का फुल्का फॉल दिखाई दे रहा है अभी। ये स्टॉक 1645 को ब्रेक करके
ध्यान सुनना, अगर 1645 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ऊपर में 1815 और 1947 तक के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी का जो प्लान है आगे के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर, अपने ऑर्डर बुक है, फिर अपने और ऑर्डर ऐड करने का, 20,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर और ऐड करने का जो है इनका लक्ष्य 2 से 3 साल में, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हो सकता है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, अभी के टाइम अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखोगे तो 1445 का ब्रेकआउट का वेट कर लेना, अभी 1645 को ब्रेक करके सस्टेन करेंगे तो उस कंडीशन में ऊपर में 1800 और 2000 रुपए तक के मूव आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर देखो हमारा जो सेकंड स्टॉक है BEL, BEL में एक ऊपर से ऐसा खासा फॉल हमें देखने को मिला अभी 6-7% का, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक में आई है। और ऐसे में सपोर्ट की बात करें तो 299 और 270 रुपए के आसपास का सपोर्ट है नीचे में, ठीक है, दो सपोर्ट है। और अभी टाइम रेजिस्टेंस बना हुआ अभी 320 का, 320 का ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में 350 तक के मूव यहां पर भी आने की संभावना है। इस स्टॉक को अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठते, भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मैं भी मानता हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक चलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। बीच बीच में अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो उसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड। तो यहाँ पर देखो भी HCL अगर 5400 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन करता है उस कंडीशन में इसके चांस रहेंगे ऊपर में भी 6000 रुपये तक के मूव आने के। ये हमें शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, अभी नीचे में सपोर्ट रहेगा अभी के टाइम 5141 का, और उसके बाद 4485 के दो सपोर्ट है नीचे में। अभी टाइम ब्रेकआउट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 5400 रुपये का रहेगा। ये ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो स्टॉक के चांस रहेंगे भी ऊपर में फिर से 6000 रुपये के आसपास जाने के। तो स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स पीछे भी दिए हैं और आगे भी ये कंपनी इसी प्रकार से आपको रिटर्न्स निकाल कर देती रहेगी। 94,000 करोड़ के आसपास की इसकी भी ऑर्डर बुक है, तो आगे के लिए ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। और आप लोगों ने देखा होगा अगले 4 से 5 सालों में जो कंपनी है वो 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के और एडर जो ऑर्डर्स हैं वो ऐड करने की क्षमता रखती है अगले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।